हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्पोर्ट गुरु जी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच है सेमीफाइनल मैच वुमेन बिग बैश लीग का, जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में कल सुबह 9:20 पर ब्रिस्बेन के वेन्यू पर खेला जाएगा। इसकी ड्रीम टीम साथ ही बात करेंगे एट इन्फिनिटी फैंटेसी ऐप की टीम। अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारा रेफर कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा। साइन अप बोनस आपको कैसे मिलेगा, किस तरह आप यहाँ पर साइन अप कर सकते, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं, जैसे टॉस से रिलेटेड हो, प्लेइंग 11 को लेकर हो, या कोई भी इन्फो आता है इन दोनों टीमों की तरफ से, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है। वहीं फ्रेंड्स, अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाइए, रॉयल स्पोर्ट गुरु सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर हमारा चैनल दिख जाएगा, आप वहाँ से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से पॉइंट्स टेबल देखोगे तो फ्रेंड्स, जो मेलबर्न रेनेगेड्स वो चौथे पायदान पर है और जो ब्रिस्बेन हीट की टीम वो पहले पायदान पर है। इन्होंने कुल 14 मुकाबले खेले थे इस सीजन मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम, और 8 में जीते थे, 6 हारे थे। वहीं ब्रिस्बेन हीट अपने तो 10 मुकाबला जीते थे 14 में से। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला देखोगे तो जो ब्रिस्बेन हीट का पिछला मैच था वो फ्रेंड्स 10-10 ओवर खेला गया था, बारिश का जो मैच को रिड्यूस करना पड़ा, वहाँ पर 8 विकेटों से मिलबर स्टार उन्होंने हरा दिया था, जिसमें बेथ मुनी के साथ अंदर 50 ना बाद केर और जोनासे ने 2-2 विकेट निकाले थे। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप यहां से मेलबर्न रेनेगेड्स का पिछला मैच देखोगे तो मेलबर्न रेनेगेड्स भी अपना जो पिछला मैच है वो जीत कर आया है फ्रेंड्स, जहां पर सिडनी थंडर को उन्होंने 29 रन से हराया था, जिसमें डफिन के 53, वेब के 24, स्टर्नो ने 3 विकेट निकाले थे। अगर आप यहां से फ्रेंड्स वेन्यू पिच स्टैट देखोगे तो ये पिच फ्रेंड काफ़ी अच्छा पिच है, बैटिंग ट्रैक है। अगर यहां से जो ब्रिस्बेन हीट की फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो आप आंख बंद करके यहाँ बेथ मुनी या जोनासेन में से किसी एक को कैप्टन बना दीजिएगा। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आप आंख बंद करके यहाँ पर बेथ मुनी को आप जो कैप्टन बना दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर पेसर बॉलर को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है स्टार्टिंग में। बाकी अभी तक अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे तो 142 रन का रहा है पिछले 4 मुकाबलों में, जहाँ पर हर मैच जो इजिली चेस हो गया है। अगर आप यहाँ से फ्रेंड्स हेड टू एनकाउंटर देखोगे तो इन दोनों ही टीमों ने आपस में इस सीजन 2 बार भिड़ चुके हैं, जहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स ने पिछले हेड टू एनकाउंटर में मेलबर्न रेनेगेड्स ने ब्रिस्बेन हीट को 6 विकेटों से हरा दिया था, जिससे फिर बेथ मुनी के 86, जोनासेन के 51, किमिंस के 1 विकेट, वहीं मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ डफिन ने 50 नबाद बनाए थे और मैथली ब्राउन के 1 विकेट थे। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप यहां से एक और हेड टू स्टैट देखोगे, जहां पर ब्रिस्बेन हीट ने मेलबर्न रेनेगेड्स को 6 रन से हराया था फ्रेंड्स, जिसमें जोनासेन के 63 नबाद और 1 विकेट, मैजिक ग्रीन के 32, जॉनसन के 2 विकेट, वारेहम के 2 विकेट, वहीं मैथली ब्राउन के 27 और 1 विकेट थे। फ्रेंड्स, आप में बस कुछ कॉमन नाम दिख रहे होंगे, जैसे जैसे मैथली ब्राउन का जो लगातार अच्छे बॉलिंग करा रहे हैं, प्लस आपको अगर इनका चांस आता है तो बैट के साथ भी आपको अच्छा खासा पॉइंट अर्न करके दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने किया था। बाकी जोनासेन लगभग हर मैच में इनके खिलाफ अच्छा की हैं, तो आप चाहे फ्रेंड्स इनको ग्रैंड लीग में प्लस स्मॉल लीग दोनों में एज अ कैप्टन इनके साथ जा सकते हैं, काफ़ी लोग इनके साथ जाने वाले हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस वाले मैच में आपका जो कैप्टन जोनासेन ही रहें। यहाँ से आते हैं हम अपने चैनल के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि है 5-star प्लेयर को लेकर के, कौन से 5-5 प्लेयर हैं इन दोनों ही टीमों की तरफ से जो लगातार अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए हैं इस पूरे वुमेन बिग बैश लीग में, प्लस आपको इस वाले मैच में भी अच्छा खासा कर दे सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ से बेथ मुनी है, आप देख सकते हैं पिछले 2 मैचेस में हाफ सेंचुरियाँ हैं इनके नाम। जोनासन ने फ्रेंड जो तो अभी तक तो पिछले कुछ मैचेस उतने खासे फॉर्म में दिखाई नहीं दी हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप वो कभी भी 2-3 विकेट निकाल कर दे सकती हैं। बाकी जोनासन लगभग हर मैचेस में अच्छा कर रही हैं, एमिला खेर भी हर मैचेस में विकेटें निकाल रही हैं। वहीं जी हैरिस की बात करें, ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे भी प्लेयर, लेकिन अभी तक उतने खासे टच में इस पूरे वुमेन बिग बैश लीग में दिखाई नहीं दी हैं, तो आप चाहे वो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, बाकी स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मेलबर्न रेनेगेड्स तरफ देखोगे तो फ्रेंड्स चमारी अट्टापट्टू हैं, जिनका दूसरा मैच है इस वुमेन बिग बैश लीग का। बाकी लैनिंग है, ब्राउन है, स्ट्रेनो है और जे डफिन है। कोशिश कीजिएगा कि इन 10 में से करीब 8 या 9 प्लेयर इस वाले मैच में आपकी स्मॉल की टीम में जरूर हों। अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पिछला पॉसिबल 11 देखोगे तो फ्रेंड्स डेनियल वाइट है स्क्वाड को छोड़ चुकी है, अपने नेशनल टीम में चली गई है,
अगर आपने अभी तक इनको ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप कर दीजिएगा, ये वाले मैच के खेलने वाले नहीं हैं। बाकी आपको यहाँ से लेनिंग और अट्टापट्टू ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाली हैं। फिर जफिन है, वेब है, केरसाओ है, वारेहम है, डॉली है, ब्राउन है, स्ट्रेनो है, ताहू है और सी लेसन है। मेरे हिसाब से जो पॉसिबल 11 निकल कर आया है मेरबल रेनेगेड्स की टीम की तरफ से, वो यही रहने वाला है। वहीं अगर आप यहाँ से ब्रिस्बेन हीट का पॉसिबल 11 देखोगे तो ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ से आपको बेतमुनी और मैजिक ग्रीन ओपनिंग करते दिखाई देंगी। बाकी जोनासेन है, जॉनसन है, के शॉट है, एल हैरिस हैं, जी हैरिस हैं, एमिला खेर हैं, किमिन्स हैं, प्रेस्टविज हैं और हिंकली हैं। फ्रेंड्स पिछले मैच में तो एल हैरिस को ऊपर प्रमोट किया गया था बैटिंग करने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स वो मैच जो 10-10 ओवर खेला गया था इसलिए इनको ऊपर प्रमोट किया गया था। मेरे हिसाब से इस वाले मैच में आपको फिर से इसी नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं। अगर फ्रेंड्स इन दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी न्यूज आता है, चेंजेस होता है, तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इस वाले मैच में इस मॉलिंग में किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इन्हीं चार में से किसी दो के साथ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं चार में से किसी दो को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के। फ्रेंड्स आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं में से कोई दो आपका भी कैप्टन या वाइस कैप्टन हो। जिसे मेलबर्न रेनिगेड्स की टीम की तरफ से डॉफिन है, अट्टापट्टू है, वहीं ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ से बेतमुनी है और जोनासेन है। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं 6 टीम के साथ तो आप इन प्लेयर्स को ग्रैंड लीग की टीम में शामिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो अपने किसी टीम में इनमें से एक या दो प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन ही बना दीजिएगा। जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ से वारेहम है, स्ट्रेनो है, लेनिंग है, वहीं ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ से एमिला खेर है, जी हैरिस और जॉनसन है। आप चाहें तो इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग की टीम में शामिल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्या हो सकती है ड्रीमर की टीम। वहीं फ्रेंड्स अगर आपने जो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। ड्रीमर की टीम जानने से पहले फ्रेंड चलिए देख लेते हैं हमारी एच इन्फिनिटी फैंटेसी ऐप पर क्या टीम रहने वाली है। फ्रेंड्स ये हमारा जो टीम रहने वाला है एच इन्फिनिटी फैंटेसी ऐप पर, जिसमें बेतमुनी है, मैजिक ग्रीन है, जे डॉफिन है, लेनिंग है, एल हैरिस है, जोनासेन है, अट्टापट्टू है, वारेहम है, एमिला खेर है, सीलेसन है और एम ब्राउन है। फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको नज़र आएगा, प्लस आप जब साइन अप करोगे तो यहाँ पर 100% यूजेबल बोनस आपका यूज़ हो जाएगा ग्रैंड लीग में। तो आप वहाँ से ग्रैंड लीग में कुछ अमाउंट जीत करके भी अपनी इस मोहाली की टीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास ऐड भी कर सकते हैं। काफ़ी जो फैंटेसी ऐप है, अगर आप हेड टू ज़्यादातर खेलते हैं या 3 मेंबर 4 मेंबर वाली लीग खेलते हैं तो ये ऐप जो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार ड्रीमर की टीम भी देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो आप इन तीनों ही ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, स्मॉल की टीम या ग्रैंड की टीम में, जिन्हें फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे। बेतमुनी का ज़्यादातर लोग जो इन्हीं को पिक करने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स जो ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग खेलेंगे वो फिलहाल इनको ड्रॉप होकर चलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्रेडिट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इस वाले मैच में। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आपके पास शानदार ऑप्शन केरसावा का, आप इनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस वाले मैच में आपको लगभग 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप चाहें तो इनको पिक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स जे डॉली आपको 5 नंबर पर मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ से बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी। बैटिंग सेक्शन से मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया हुआ, जिसमें जे डॉफिन है जो कि 1 डाउन आएंगी मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ से, सी वेव फ्रेंड्स जो कि जिनका जो पोजीशन है फ्रेंड्स वो पूरे पूरे निर्भर करते हैं यहाँ से केरसावा का। अगर केरसावा यहाँ पर से 5 नंबर पर खेलेंगी तो आपको यहाँ सी वेब 4 नंबर पर, वहीं अगर सी वेब 4 नंबर पर खेलेंगी और सॉरी फिर 5 नंबर पर खेलेंगी तो आपको केरसावा 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने मैजिक ग्रीन को पिक किया हुआ है जो कि इस वाले मैच में आपको ओपनिंग कर दिखाई देने वाली है। बाकी मैंने लेनिंग को पिक जो ओपन करेंगे, वहीं फ्रेंड्स मैंने क्रीज मेंटेन करने के लिए यहाँ से एल हैरिस को पिक किया हुआ है, जिन्होंने पिछले मैच में तो 1 डाउन आकर काफ़ी अच्छे बैटिंग किया था। बाकी फ्रेंड्स मेरे को नहीं लगता कि इनको फिर से ऊपर प्रमोट किया जा सकता है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इनको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो आपके पास तो यहाँ से उतने सेफ ऑप्शन नहीं जिनको आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग की टीम में शामिल कर सकते हैं। एक ही अच्छा ऑप्शन वो सी वेब का, अगर आप चाहें तो इनके साथ ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग की टीम में भी जा सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 3 ऑलराउंडर को पिक किया हुआ, जिसमें जोनासेन है जिनका जो मेन पोजीशन है लगभग 1 डाउन है। फ्रेंड्स अगर टीम चाहे तो इनके प्लेस पर एल हैरिस को भी 1 डाउन भेज सकती है, लेकिन फ्रेंड्स मेरे को नहीं लगता कि इस वाले मैच में आपको जोनासेन नीचे बैटिंग करते दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से इस वाले मैच में आपको ये 1 डाउन खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं, प्लस आपको जो 4 ओवर अपने कोटे का बॉलिंग कर दे देंगे। फ्रेंड्स अट्टापट्टू को मैंने पिक किया हुआ जो काफ़ी अच्छे प्लेयर, हालांकि पिछले मैच में उतना खासे फॉर्म में दिखाई नहीं दिए थे,
लेकिन फ्रेंड्स आप कभी भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इनको ड्रॉप करना चाहते तो आप इनके प्लेस पे यहाँ से जॉनसन को पिक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पिक रहने वाला है, बाकी मर्जी आपका रहेगा। मैं फिलहाल अक्टा पट्टू को पिक किया हुआ जो कि आपको इस वाले मैच में ओपन करते हुए दिखाई देंगी। मैंने फ्रेंड्स यहाँ से वारेहम को भी पिक किया हुआ है जो कि बैट और बॉल दोनों के साथ आपको इस वाले मैच में अच्छा करते हुए दिखाई देने वाली हैं। यहाँ पर से आपके पास दो ऑप्शन, चाहे स्मॉल लीग के लिए हो या ग्रैंड लीग के लिए हो, एक तो जॉनसन का जो है, दूसरा जी हैरिस का है। फ्रेंड्स आप यहाँ से स्मॉल लीग में जी हैरिस को पिक मत कीजिएगा, बाकी आप यहाँ से जॉनसन के साथ जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से अट्टापट्टू ड्रॉप कर दोगे तो आप यहाँ से आसानी से जॉनसन को पिक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मैं अट्टापट्टू के साथ जाऊँगा। वहीं बॉलिंग सेक्शन से मैंने तीन बॉलर को पिक किया हुआ है जिसमें अमिला खेर हैं, डी किमिंस हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे बॉलर लगातार विकेट निकाल कर आए हैं ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ से। और तीसरा यहाँ से सी लेसन का है, क्योंकि फिर मुझे क्रीज मेंटेन करना था और इनके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो आपको इतने क्रीज में इतना अच्छा बॉलर मिल सके। बाकी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से किसी और को पिक करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन है स्ट्रैनो का, ताहू का। बाकी स्मॉल लीग में आप यहाँ से केयर या किमिंस के प्लेस पे ब्राउन को पिक कर सकते हैं, भी काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं, बाकी मर्जी आपकी रहेगी। वहीं फ्रेंड नीचे से आपके पास उतना से पिक नहीं है जिनको आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम में शामिल कर सकते हैं। अगर आप हमारा यहाँ से फाइनल टीम देखोगे तो यहाँ से बेथ मूनी है, लेनिंग है, डॉफिन है, मेडिग्रीन है, एल हैरिस है, अट्टापट्टू हैं, वारेहाम है, जुनासेन है, सिलेशन है, अमिला खेर है और डी किमिंस है। मेरा फाइनल टीम रहने वाला है इस वाले मैच के लिए। बाकी फ्रेंड्स अगर कोई भी चेंजेस होता है तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा रखा है, जहाँ पर हम टॉस के बाद अपने जो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।